रामायण अरण्य कंडा दंडक वन में विराधवध। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम सीता और सीता का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघम्बर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दम्भयुक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दैख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे ये भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं, आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूँ। फिर विराध से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत्रदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंगों छिन भिन हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराध के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से बेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्तरंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराध त्रिशूल ले राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराध पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। विराध द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराध की एक एक बांह मरोड़ कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर करके बार बार उठा उठा कर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण ये दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराध बोला, प्रभो, वास्तव में मैं तुम्बुरु नाम गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा। महर्षि शरभंग भयंकर बलशाली विराध राक्षस का वध करने के पश्चात राम सीता और लक्ष्मण महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंचे। महर्षि शरभंग अत्यंत वृद्ध थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था।
ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अंतकाल निकट है। सीता और लक्ष्मण सहित राम ने महर्षि के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि शरभंग ने उनका सत्कार करते हुए कहा, हे राम, इस वन प्रांत में कभी कभी ही तुम जैसे अतिथि आते हैं। अपना शरीर त्याग करने के पहले मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मैं इस नश्वर एवं जर्जर शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम इस वन में निवास करने वाले महामुनि सुतीक्ष्ण के पास चले जाना, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर महर्षि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और घी की आहुति देकर मंत्रोच्चार करते हुए स्वयं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करके ब्रह्मलोक को गमन किया। महामुनि शरभंग के ब्रह्मलोक गमन के पश्चात आश्रम की निकटवर्ती कुटियाओं में निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वहां आकर रामचंद्र से प्रार्थना की, हे राघव, क्षत्रिय नरेश होने के नाते हम लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो हमारी रक्षा करता है उसे भी हमारी तपस्या के चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है, किंतु दैख की बात यह है कि आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होते हुए भी राक्षसजन हमें अनाथों की तरह सताते हैं और हमारी हत्या तक कर देते हैं। इन राक्षसों ने पंपा नदी और मंदाकिनी नदियों के क्षेत्रों तथा चित्रकूट पर्वत में भयानक उपद्रव मचा रखा है। उनके उपद्रव के कारण तपस्वियों के लिए तपस्या करना ही नहीं, जीना भी दूभर हो गया है। ये समाधिस्थ तपस्वियों को मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस असह्य कष्ट और अपमान से हमारी रक्षा करें और हमें निर्भय होकर तप करने का अवसर दें। राम बोले, हे ऋषि मुनियों, आपके कष्टों के विषय में सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूँ। पिता की आज्ञा से अभी मुझे 14 वर्ष पर्यंत इन वनों में निवास करना है। आप लोगों के रक्षार्थ मैं इस अवधि में राक्षसों का चुन चुन कर नाश करना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भुजबल से मैं पृथ्वी के समस्त ऋषि द्रोही राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। इस प्रकार से उन्हें धैर्य बंधा और राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा कर रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। उन्होंने अत्यंत वृद्ध महात्मा सुतीक्ष्ण के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना परिचय दिया। राम का परिचय पाकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को समुचित आसन दिया, उनका कुशलक्षेम पूछा तथा फलादि से उनका सत्कार किया। वार्तालाप करते करते सूर्यास्त की बेला आ पहुंची, तब उन सब ने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की और रात्रि विश्राम भी उनके आश्रम में ही किया। प्रातःकाल राम बोले, हे मुनिवर, हमारे हृदय में दंडक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं जो सहस्त्रों वर्षों से केवल फलाहार करके तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा करते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। वास्तव में यहाँ के तपस्वी असीम ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। तुम अवश्य उनके दर्शन करो। इस वन का वातावरण भी तुम्हारे सर्वथा अनुकूल है, इसमें तुम लोग भ्रमण करके अपने वनवास काल को सार्थक करो। सीता की शंका। मार्ग में सीता ने रामचंद्र से कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मुझे प्रतीत होता है कि अधर्म में प्रवृत्त हो हैं। हे नाथ, इस संसार में कामजनित तीन दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला कामजनित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने न तो कभी किया है और न ही कभी करेंगे। दूसरा कामजनित दोष है परस्त्री गमन। आप एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः ये कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा कामजनित दोष है बिना वैरभाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। ये तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी में मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरे दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। महाबाहो, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे और विनयपूर्वक अपना खड्ग उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड्ग को लेकर अपनी कमर में बांध लिया जिससे वह खो न जाए।
कमर में बंधे खड्ग के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए जिनका आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहां वन का शांत तपस्वी अहिंसा में जीवन और कहां शस्त्र संचालन, कहां तपस्या और कहां निरीह प्राणियों की हत्या। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूँ, अन्यथा किसमें सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे। सीता के वचनों को सुनकर राम बोले, सीते, जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है, फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम ये कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात उन लोगों ने अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में एक एक दो दो वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम न पा सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त्य के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुँचने के लिए मार्ग बताइए। मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल पिप्पली वन दृष्टिगत होगा। उस पिप्पली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंध युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बोलियों में कलरव करते हुए असंख्य पक्षी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बकों, कारणदेवों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त्य के भाई का आश्रम है, जो वहाँ ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके आश्रम में रहकर विश्राम करें। जब तुम्हारी मार्ग की क्लांति मिट जाए तो वहां से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहां से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से अद्वितीय शांति मिलती है। अगस्त्य का आश्रम। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने निवार, जलकदम, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरविल, महुआ, बेल, तेंदू तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वमालाओं, सरिताओं तथा सरवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट जा पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानरेंद्र वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहु ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैरभाव को छोड़कर कलोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जनजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त्य का स्थान सर्वोपरि है।
उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनकनंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल क्षेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यप्रायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे, आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो अन्य कोई धर्मप्रायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त ये तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इनमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। ये खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं, उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है, जो मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई है। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की छाया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुकरण करके सन्नारिया स्वर की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा यह है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। ऋषि के स्नेहयुक्त वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फलयुक्त वृक्षों, निर्मल जल तथा शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहाँ मैं आश्रम बनाकर निवास करूँगा। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीय, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है।
वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी में आश्रम। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशालकाय वृद्ध पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से उससे पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, तात, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। मैं वृद्ध जाति के यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूँ और मेरा नाम जटायु है। कृपा करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दे ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, महर्षि अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रवाहित हो रही है। अतः तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया जहां पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गुल्मों तथा लतावल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम, तिनिश, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, स्यंदन, चंदन, कदम, परनास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही थी जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी विचर रहे थे। चकवे उसकी शोभा बढ़ाते थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर छाए रहते थे। लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियों तथा घास अफूसों की सहायता से शीघ्रता पूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर लिया। फिर उसी कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके बाद उन्होंने दोनों कुटियाओं को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण कराया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रासाद जैसा सुविधाजनक निवास स्थान बना दिया। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया। वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दत्तचित होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहां पर शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रातः बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु रही है। वे तट पर घड़े को रखकर बोले, भैया, ये वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहा करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। बोरस की नदियां बहने लगी हैं। राजा महाराजा अपनी चतुरंगिनी सेनाएं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की उष्मा प्रिय लगने लगा है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस के बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। खेतात, विद्वजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं, किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के वैक का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करना चाहिए। वनवास में हमने तापस धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। कैकेयी जैसी भरत की माता है वैसी ही हमारी भी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर एवं स्नेहयुक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापस आए। शूर्पणखा।
पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटिप्रदेश एवं उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेदौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई वीर ऐसा होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समरभूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। ये तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्काते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परता पूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलता राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चीत्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। खरदूषण से युद्ध। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़ मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया है? किसने आज इस निद्रानिमग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है? किसके सिर पर काल नाच रहा है? मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा।
उसने रोते रोते हर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूंगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम, लक्ष्मण तथा सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक भेजता हूँ। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संभाल कर उन राक्षसों से बोले, दुष्टो, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। तुम्हें यदि युद्ध से संतो प्राप्त होता हो तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों को अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम महासम में सबल होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को शूरवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष ही आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना जिसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे को साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दलबल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद्य कवच धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्नि बाण छोड़ दिया जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त लाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। ये ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तर्कस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाए और कब बाण छूटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्धस्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। खर दूषण वध। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष अटका। कुछ ही काल में राम के बाणों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा हो गई जैसा कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते खुर से दूषण के धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े।
पुनः राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परेद उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने स्वर्ण तथा वज्र से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल दो लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बढ़ाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षसराज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वह राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देख राम ने तत्परतापूर्वक बाण चलना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी, घोड़े तथा ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने के पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो उसके कवच को चीर कर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हतप्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति के वध हुआ देखकर क्रोधखर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्निबाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। और भी क्रोध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख राघव बोले, हे राक्षसराज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को डैक देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुँचा है, अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज ये तुम्हें चिरनिद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खर के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। क्षत विक्षत होने पर भी खर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चीतकार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि, तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भुला सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विप्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकिंद्रा से लेकर लौट आए। अपने महाप्राक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। रावण को सूचना। खर दूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जनस्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14,000 सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृतांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभो, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, ऐसा उसने अकेले ही किया है।
वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, को उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। उसका रणकौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है, उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है, वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है, यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण करके ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का ये प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार हो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है, रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से ही यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है वह वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है और तुम उससे किसी प्रकार भी जीत सकते। राम के होते हुए तुम उससे सीता को नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूल कर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया। रावण को शूर्पणखा का धिक्कार। रावण के मारीच के पास से लंका लौट आने के कुछ काल पश्चात ही शूर्पणखा उसके पास आ पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ रावण वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे सोने के ईंटों से निर्मित यज्ञवेदी में घी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि। समरभूमि में साक्षात यमराज की भांति दिखाई पड़ने वाले रावण ने देवता, गंधर्व आदि सभी को जीत लिया था। राजोचित लक्षणों से संपन्न रावण ने वैदुर्यमणि, नीलम तथा तपाए हुए सोने से निर्मित आभूषणों से अलंकृत हो रहा था। उसके अंगों पर विष्णु के चक्र तथा देवताओं के विविध आयुधों के अनेक प्रहार हुए थे, किंतु इन प्रहारों के बाद भी उसका कोई भी अंग खंडित नहीं हुआ था। वह रावण पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देने वाला, देवताओं को रौंद डालने वाला, धर्म को जड़ से काट देने वाला, दूसरों की भार्याओं के सतीत्व का नाश करने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला तथा दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था। उसने समुद्रों तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त किया था, नागराज वासुकी को परास्त किया था, तक्षक की प्रिय पत्नी का हरण किया था, कुबेर पर विजय प्राप्त कर उससे पुष्पक विमान छीना था। इंद्रादि समस्त देवता उससे भयभीत रहते थे, वायु देवता उस पर पंखा डुलाते थे, वरुण उसके यहाँ पानी भरता था और वह मृत्यु को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता था। उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके तथा ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि देकर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से संग्राम में अभय प्राप्त कर लिया था। मनुष्य के सिवा अन्य किसी से भी उसे मृत्यु का भय नहीं रह गया था। शूर्पणखा राम के द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसने रावण के पास आकर क्रोध से फूंकारते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे इन मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासिता में डूबे हुए हो। तुम सब तो सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहते हो। हे नीतिवान रावण, क्या अब मुझे तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि समय पर उचित कार्य न करने वाले और अपने देश की रक्षा के प्रति असावधान रहने वाले राजा के राज्य के नष्ट हो जाने में क्षण मात्र भी देर नहीं लगती। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वृक्ष से गिरे हुए पत्ते और राज्य से च्युत राजा का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजा उसी राजा की पूजा करती है जो स्थूल आंखों से सोता है किंतु नीति की आंखों से जागता है, जिसका क्रोध प्रलयंकर और प्रसन्नता सुखदायिनी है। जिस राजा के गुप्तचर सक्रिय और सतर्क नहीं रहते वह राज्य करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे गुप्तचर तो मूर्ख, अयोग्य और आलसी हैं। तुम्हारी बुद्धि दूषित है और मंत्री भी सर्वथा अयोग्य हैं। उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि उनके राज्य दंडकारण्य में कितनी भयंकर घटना घट चुकी है। मेरे वीर भ्राताओं खर दूषण का 14,000 राक्षसों सहित संहार हो चुका है। जो ऋषि मुनि कल तुम्हारे नाम से थर थर कांपते थे वे आज सिर उठाकर निर्भय हो घूम रहे हैं। तुम तो राम द्वारा किए गए भीषण हत्याकांड से अभी तक अपरिचित हो। शूर्पणखा के कटु वचनों से कुपित होकर रावण बोला, शूर्पणखे, मुझे बताओ कि राम कौन है, उसका बल और पराक्रम कितना है, दुष्कर दंडकवन में उसने किस लिए प्रवेश किया है,
उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे उसने खरदूषण और त्रिशिरा का सेना सहित संहार कर दिया? उसने तुझ जैसी सुंदर अंगों वाली को क्यों कुरूप बना दिया? रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शूर्पणखा ने कहा, ए भाई, महाबली राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। वे अत्यंत निपुण धनुर्धारी हैं। वे अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने मात्र डेढ़ मुहूर्त तीन घड़ी में समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। मैंने राम के बाणों की वर्षा से राक्षसों को मरते हुए तो देखा, किंतु यह नहीं देख पाए कि कब राम ने धनुष खींचा और कब बाण छोड़ा। स्त्री होने के कारण राम ने मेरा वध नहीं किया और केवल अपमानित करके छोड़ दिया। राम के समान ही पराक्रमी उसका भाई लक्ष्मण और अत्यंत सुंदरी उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ है। इस भूतल पर मैंने आज तक सीता के समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं देखा है। जब मैं सीता को तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लाने के लिए उद्यत हुई तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारी ही भार्या बनने योग्य है, अतः तुम उसे शीघ्रातिशीघ्र हर लाओ। शूर्पणखा का कथन सुनने तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात रावण ने सीता को हर लाने का निश्चय कर लिया। तत्काल उसने अपना रथ तैयार करवाया और उस पर सवार हो अपने मित्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण का समुचित सत्कार करके पूछा, राजन, लंका में सब कुशल तो है ना, आप इतनी जल्दी पुनः कैसे लौट आए? रावण बोला, हे मारीच, क्रूर और मूर्ख राम ने अपने बल का आश्रय लेकर मेरे भाई खर और दूषण सेना सहित त्रिशिरा का वध कर दिया है। उसने मेरी बहन शूर्पणखा को भी कुरूप बना दिया है। तुम मेरे मित्र हो, मित्र ही संकट के समय मित्र की सहायता करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों और शुभचिंतकों में तुमसे बढ़कर बलवान, नीतिवान और मुझसे सच्चा स्नेह करने वाला और कोई नहीं है। अतः हे मारीच, मैं चाहता हूँ कि तुम रजत बिंदुओं वाला स्वर्णमृग बनकर राम के आश्रम के सामने जाओ। तुम्हें देखकर सीता अवश्य राम लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। उन दोनों के चले जाने पर मैं अकेली सीता का अपहरण करके ले जाऊंगा। राम को सीता का वियोग असह्य होगा और विरह की उस अवस्था में राम को मार डालना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। रावण के वचन सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ये कार्य तुम्हारे जीवन के लिए काल बन जाएगा। आश्चर्य की बात है कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम परस्त्री हरण जैसा भयंकर पाप करने जा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम के क्रोध से तुम बच नहीं सकोगे। मारीच के इस उत्तर से क्रोध हो हाथ में खड्ग लेकर रावण बोला, मारीच, मैं तुझे अपना मित्र समझकर तेरे पास आया था, तेरा अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए नहीं। तेरी कायरतापूर्ण युक्तियों को सुनकर मैं अपना विचार नहीं बदल सकता। सीता का हरण मैं अवश्य ही करूंगा और तू मेरे आज्ञा का पालन भी करेगा। यदि तू मेरी आज्ञा मानकर मेरे इस कार्य में सहायता नहीं करेगा तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तेरा वध करूंगा। रावण के क्रोध से भयभीत होकर मारीच ने अपनी सहमति दे दी। उसकी सहमति से प्रसन्न होकर रावण बोला, अब सिद्ध हो गया कि तू मेरा परम मित्र है। रावण उसे लेकर दंडक वन में पहुंच राम के आश्रम की खोज करने लगा। जब आश्रम मिल गया तो मारीच ने रावण के निर्देशानुसार मृग का रूप धारण किया और आश्रम के निकट विचरण करने लगा। इस अद्भुत स्वर्णिम मृग की शोभा देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और विस्मित होकर उसके पास पहुंची। मायावी मारीच ने अपनी मृग सुलभ क्रीड़ाओं से सीता का मन मुग्ध कर लिया। स्वर्ण मृग, सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत स्वर्ण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छा रूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह ये माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़ कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो ये हमारे प्रासाद की शोभा बढ़ाएगा। यदि ये जीवित न पकड़ा जा सके तो इसे मारकर मृगशाला ही ले आइए। मैं उस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहारी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने या मारने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राम अपने शस्त्रास्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े।
राम को अपनी ओर आता देख मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी द्रुत गति से भागने लगा। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अंततः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रोध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली वेश में धराशायी हो गया और राम के स्वर में हासीते हा लक्ष्मण चीत्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चीत्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण हो आया। वास्तव में यह मारीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चीत्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हासीते हा लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दैक भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से बहुत घबरा रहा है। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्य, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण करें, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसीलिए उनके ऐसे आर्त स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता की ये दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी आप व्यर्थ दुखी न हो। संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों ने सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो उठा। वे बोले, देवी मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्रायः देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो अपने अग्रज की आज्ञा पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टतापूर्ण लांछन लगा रही है। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं कि मैं आपके द्वारा बलात् भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे। सीता हरण। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमय युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहां ये तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहां इस दुर्गम वन में निवास? ये स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहां से चली जाओ, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यप्रायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी।
इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रोध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख ये कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू ये घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपति हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, तथा समुद्र को एक चुल्लू में भर कर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांध कर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाए, हे आर्य जटायु, देखो लंका का ये दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का ये वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। जटायु वाद, सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से दो बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली सुंदर कृष्ण केशो वाली गौरवर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह बाघ मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जलप्रपात ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दैख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दैख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दया में, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर पांच वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी स्त्री से मिलने न पावे। ये जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य पदार्थ मांगे वो तत्काल इसे दिया जाए।
इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। रावण सीता संवाद। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज्य से च्युत दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशालोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्यकर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है, ये सब मात्र तेरे मिथ्या विचार हैं। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निश्चिंत होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ, मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मप्रायण एवं सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाईखर की तरह जनस्थान के युद्धस्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसाधम, तू महापापी है इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसिनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञाशून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दैक और चिंताओं से संतप्त हो गई है और प्राणियात्रक भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी, अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शचीपति इंद्र राम की सहायता करूँगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे, अतः तुम इस भविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं? इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला।
आप मेरे लिए मेरे श्वसुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप भविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त भविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। राम की वापसी और विलाप। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चीत्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संतप्त करने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली कैसे छोड़ आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ है। यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मायावी राक्षस ने हां लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहां दौड़ाए हो, अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहां आने को विवश किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए ये चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है, तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कह कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य तुम सीता को छोड़कर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला किंतु वे सभी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभाशून्य थीं। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सनसना कर दुख से रो रहे प्रतीत होते थे। वृक्षाला और कुछ इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे, वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियां टूटी या अटूटी पड़ी थी। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई। जब सब ओर खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई न दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनकी उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते, हे कदम, मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता वह कहाँ है। कभी विल्व के पास जाकर उससे पूछते, हे विल्व विटप, क्या तुमने पीतवस्त्र धारिणी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी पुष्प समूहों से सीता का पता पूछते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक विटप, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता? फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देख कर बता क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है? चुपचाप खड़ा न रह, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वह अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे, हे प्राणवल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई? यदि तू वृक्षों की ओट में छिप कर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू प्रकट हो जा। देख मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ, अब बहुत हंसी हो चुकी, मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है? हाँ सीते बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है? इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। सीते तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्करेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चला आया? हाँ मैं कितना अभागा हूँ जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता।
हाय जानकी, तुम ही बताओ तुम्हारे बिना मैं क्या करूं। बड़े भाई को विलाप करते देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही हो। ये भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जलक्रीड़ा देख रही हो या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी हो। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्तियुक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, सौमित्र, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज न की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कहीं कोकिलाकंठी जानकी को देखा है? कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मोही हो गए हो? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं काया हूँ जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना अब तुम ही अयोध्या का राज्य संभालो। मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह व्यथा को न सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दैत्य मिलते चले जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझे छोड़कर जाने कहां चली गई। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। वह भी रो रोकर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर गई होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाँ सीते, हाँ प्राणवल्लभे, तू ही बता, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं? जटायु की मृत्यु। राम को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया, आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म, अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती हैं, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती, कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण के सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। ये रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी ये दशा कर दी। वह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है।
इतना कहकर जटायु का गला रुंध गया, आंखें पथरा गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्तरंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ। राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दायक है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गृद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रांगण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। ये कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। कबंध का वाद। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पार कर वे क्रौंचारण्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, के भीतर पहुंचे। वह वन भी सघन अनेक मेघों के समूह के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने का कारण हर्षोत्फुल्ल सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो वे और आगे चले। इस वन को पार करके मतंग मुनि के आश्रम ले पास जा पहुंचे। वह वन भी भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। घूमते घूमते वे ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार से आवर्त रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों और बिखरे केश वाली मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिप्त कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रोध होकर लक्ष्मण ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चीत्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर स्वर सुनाई दिया जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़ मात्र राक्षस को देखा। उसका न तो गर्दन था और न ही मस्तक, उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था जिसमें अंगारे के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इस आकस्मिक आक्रमण से लक्ष्मण किंकर्तव्य विमूल हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बानई भुजा को काट दिया। वह चीत्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरकर उसने पूछा, वीरो आप दोनों कौन है? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अत्यंत पराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूलशिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। शाप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षसराज, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, आशा है अवश्य दोगे। दंडक वन से मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल, पराक्रम, स्थान आदि के विषय में तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ, यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है।
उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना होगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने चार वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके ज्येष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्र बना सके तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता और उनकी मायावी चालों को भी समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा, साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उसका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपासर की ओर चले। पंपासर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया। शबरी का आश्रम। तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्ध्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है वह मतन वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाए और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। अरण्यकांड समाप्त।